आपके इस सवाल का जवाब कुछ यूं है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो नहाकर खूब पाक हो जाओ। सूरतुल मायदा आयत नंबर 5। इस आयत मुबारका से अहनाफ ने गुसल के 3 फराइज साबित किए हैं, जो कुछ यूं हैं: कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना। और जैनुद्दीन इब्न नजीम बयान करते हैं कि गुसल के फराइज हैं कि मुंह धोना यानी कुल्ली करना, नाक में पानी डालकर धोना और पूरे जिस्म को धोना। इब्ने नजीम अलबहरुर रायक किताबुत तहारा जुज़ 1 सफ़ा 47। इसलिए गुसल तहारत के दौरान अगर जुनबी कुल्ली ना करे या नाक में पानी ना डाले या जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह जाए तो जिस्म पाक नहीं होता। बसूरत मसला अगर आपने 3 फराइज या इनमें से कोई 1 फर्ज छोड़ दिया है तो गुसल दोबारा करें। जो नमाजें इस दौरान अदा की गई हैं वो भी लौटाई जाएंगी। वल्लाहु व रसूलुहु आलमु बिस्सवाब।